एमएमएस से जुड़ी काफी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने काफी हलचल पैदा की, जिसमें राधिका आप्टे का नाम भी आता है। स्क्रिप्ट के शूटिंग के दौरान उनके प्राइवेट पार्ट्स पकड़ लिए गए थे, फिर तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई और बहुत वायरल हो गई। सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ और बहुत हलचल पैदा की। इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा एक आदमी के साथ थी, हालांकि बाद में पता चला वीडियो फर्जी है और यह वीडियो बॉलीवुड में सोनाक्षी सिन्हा की छवि को दूषित करने के लिए बनाई गई थी। मल्लिका शेरावत को एक वीडियो में बिना कपड़ों में विदेशी के साथ देखा गया, लेकिन लोगों ने इस वीडियो पर विश्वास नहीं किया। फिर भी वीडियो में जो महिला थी वह मल्लिका शेरावत जैसी दिख रही थी। सोहा अली खान पार्लर में वीडियो स्ट्रिपिंग में वैक्सीन के लिए तैयार होते हुए उसे देखा गया। वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सोहा अली खान ने उस वीडियो के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रीति जिंटा बॉलीवुड की क्यूटी पाइप को लीक एमएमएस फुटेज के साथ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वीडियो में एक शावर के साथ अंदर नहाती हुई नज़र आ रही थी। इससे पहले हालांकि वीडियो को नकली साबित करने के लिए उसे कानूनी नोटिस दिया गया था। वीना मलिक यह पाकिस्तानी अभिनेत्री कई विवादों में रही है और उसमें से एक अभिनेता रंजन वर्मा के साथ अतरंग पलों की रिकॉर्डिंग है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया वायरल हो गया। बाद में उसने पुष्टि की कि उसने इन दृश्यों को एक स्क्रिप्ट के लिए फिल्माया था। शाहिद और करीना बॉलीवुड के बहुत ही सुंदर कपल थे। इस जोड़े ने हर किसी को हैरान कर दिया था जब उन्होंने अपने अतरंग पल चुम्बन के एक वीडियो को जारी किया ऑनलाइन। हंसिका इस चुलबुली बाल अभिनेत्री ने उस समय सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने फिल्म में हिमेश रेशमिया के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इस बड़ी हो चुकी अभिनेत्री ने एक स्तन वीडियो जारी करने के साथ अपमान का हिस्सा बनना पड़ा। उसने इसे नकली होने से इनकार किया। मोना सिंह टेलीविजन धारावाहिक जस्सी जस्सी कोई नई से लोकप्रिय हुई। वह अपने एमएमएस में बिना कपड़ों के नजर आई और वीडियो को फिल्माए जाने को छोड़ दिया। यह वीडियो लगभग 30 सेकंड तक चला, हालांकि अभिनेत्री ने कहा कि यह वास्तविक नहीं है।